भाई ने लगा रखी है ड्यूल डिस्क, दोनों तरफ डिस्क है। देखो इससे टायर की कितनी लुक क्रेजी आ रही है। देखो ये देखो दोनों साइड डिस्क लगा रखी है। तो देखो पूरी मॉडिफिकेशन है, सिंपल सिंपल सारी मॉडिफिकेशन हो रखी है, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन हो रखी है, एग्जॉस्ट लग रखा है। तो टोटल कॉस्ट मैं आपको बता दूं तो टोटल कॉस्ट इस बाइक में पैसे लग गए 35,000 से लेके 40,000 के समथिंग, मतलब पूरी मॉडिफिकेशन का खर्चा आ गया। देखो What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me. हेलो पैंथर्स, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू साहिल 5722 व्लॉग्स। तो मेरे चैनल पे मिलती है आपको पैंथर्स, जो कि मेरी बाइक है MT15। बट आज अपने पास एक फुली मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन ओवरलोडेड MT15 जो कि दिनेश भाई की MT है। बट पहले वो अलग मॉडिफाइड थी, लेकिन अब भाई ने पूरी मॉडिफाई करा दी है, बिल्कुल चेंज करा दी बाइक के पूरे लुक, सब कुछ चेंज करा दिया। देखो एक होता है बाइक के दीवाने, मतलब जो जिनको बाइक अधिकतर सबको पसंद होती है, दुनिया में सभी लोगों को 99% ऐसे लोग होते हैं जिनको बाइक्स पसंद होती है, बट उनमें से कुछ लीजेंड्स होते हैं जिनको मॉडिफाइड बाइक पसंद होती है। तो आज तुम्हारा भाई लेके आया एक फुल्ली मॉडिफाइड ओवरलोडेड MT15 जो कि अपने देश दिनेश भाई की है। तो ये बेटा दिनेश भाई देखो अरे बाबा, बट भाई ने जो बाइक मॉडिफाई कर रखी है, आपने सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय किए हैं, बाइक में एक भी ऐसा पार्ट नहीं है, ऐसा पार्ट नहीं है जो मॉडिफाइड नहीं हो रखा हो। मैं आया हुआ हूँ मोती डूंगरी एंड अपनी दोनों पैंथर्स ये खड़ी, तो ये रही अपनी पैंथर एंड ये रही दिनेश भाई की MT15 जो कि पूरी मॉडिफाइड है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एक बार आप चेक कर लो, इसमें सब कुछ मॉडिफाइड है, एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मॉडिफाइड नहीं हो रखा। देख लो आप, देख लो कुछ, देख लो, देखो है ना। तो मैं आपको पूरी डिटेल से एक एक चीज करके सब कुछ बताने वाला हूँ, एक एक पार्ट्स बताऊंगा क्या क्या मॉडिफाई कर रखा है, क्या किस चीज की कितनी कॉस्ट पड़ी है। कि बीच बीच में ना आए आवाज ना करें तो व्लॉग मेरा जल्दी फिनिश हो जाए, बट क्या करें, इनके क्या है थोड़ा सा मतलब छोड़ो तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सिनेमेटिक शॉट्स आपने इंजॉय कर लिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो, आपको बताता हूँ सब कुछ। और एक बार ये चेक कर लो, एक्रापोविक एग्जॉस्ट जो कि फुल सिस्टम नहीं है, तो लेकिन फिर भी इसकी साउंड जो है बहुत क्रेजी है। बट अभी इसमें लगा हुआ है डीबी क्लियर, क्योंकि पुलिस की बहुत ज़्यादा सख्ती हो रखी है। मेरा चालान कट चुका एंड भाई नहीं चाहता भाई का भी चालान कट जाए, तो डीबी क्लियर लगा रखा है, साउंड मतलब फिर भी बहुत अच्छी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ एंड आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से सब कुछ क्या क्या मॉडिफाई हो रखा है, क्या क्या नहीं हो रखा, ठीक है। तो पैंथर्स अपन आगे लोकेशन पे मोती डूंगरी पे ऊपर, एंड ये रही अपनी पैंथर और ये रही दिनेश भाई की MT। एक मिनट रुको, मैं इसकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। ये तो यार अपनी है, इसकी तो बात ही क्या है, छोड़ो उसकी तो बात ही क्या करें, उसकी तो मतलब जितना करें उतनी कम है। तो गाइस फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट से भाई ने लगा रखा है वाइजर, जैसा मैंने लगा रखा है, बट ये भाई ने ज़्यादा टाइट कर दिया, तो ये देखो थ्राड आ गई। तो यहाँ पे लगा रखा है दिनेश DS, DS का मतलब है दिनेश शर्मा, दिनेश सैनी। तो भाई देख लो DS लगा रखा है। तो उसके बाद आते हैं नीचे, तो नीचे भाई ने आइस मॉडिफिकेशन करा रखी है। देखो ऐसी आइस मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था मैं भी अपनी पैंथर में ऐसी कराऊंगा, तो आप चेक कर लो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। एंड नीचे भाई ने लगा रखा है ये लाइट्स के ऊपर, वहाँ पे नहीं है, देखो गैप में ये लगता है, इसका मुझे पता नहीं है कितनी कॉस्ट है, बट आइस देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो ऐसी सेम मॉडिफिकेशन अपने होगी MT की, मुझे यही वाली आइस अच्छी लगती है। तो देख लो सामने भाई ने आइस मॉडिफाई करा रखी है, एंड ये KTM वाले इंडिकेटर्स लगा रखे हैं जिनकी कॉस्ट समथिंग 400 रुपये के समथिंग आती है। तो ये देख लो फ्रंट में भाई ने ये मॉडिफिकेशन रख रखी है, एंड यहाँ पे लगा रखी है रिंग, ब्लू रिंग लगा रखी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, रात में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है एंड प्यारी लुक आती है सामने से। तो ये सामने की फ्रंट लुक देख लो आप, पहले एक बार मैं आपको इंडिकेटर जला के दिखा देता हूँ। दिनेश इंडिकेटर जलाना, रेड बटन, तो देख लो गाइस इंडिकेटर्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो ये थी सामने की फाइनल लुक, देख लो आप। देन उसके बाद अपन नीचे आ जाते हैं टायर पे। तो भाई ने लगा रखी है ड्यूअल डिस्क, दोनों तरफ डिस्क है। देखो इससे टायर की कितनी लुक क्रेजी आ रही है, देखो ये देखो दोनों साइड डिस्क लगा रखी है। तो भाई ने बिल्कुल नई डिस्क मंगाई है, पुरानी नहीं है। इसकी कॉस्ट पड़ी है 1000 रुपीज़ नई डिस्क की। इसकी MRP है 1010 रुपीज़। तो इससे देख लो लुक्स मतलब बिल्कुल चेंज हो जाती है। एंड भाई ने ये चेंज करवाए, इनके कलर्स रेड कलर करवाए जो कि ब्रेक्स हैं। और मैं आपको सामने ये बताना भूल गया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड क्लच, इनसे तो लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। मेरे को ये भी अच्छी लगती है, ये भी कराएंगे। एंड सामने भाई ने देखो यही मॉडिफिकेशन करा रखी है। एंड कलर बिल्कुल चेंज करा रखा है, कलर बाइक का ये नहीं था। तो भाई ने पूरा कलर चेंज करा दिया, देखो ब्लैक उसके साथ ये वाइट एंड रेड का मिक्सचर करा रखा है भाई ने पूरी बाइक में। एंड अलॉयज में भी देख सकते हो आप, ब्लैक वाइट एंड रेड का मिक्सचर है पूरी बाइक, ठीक है, तीन कलर है। तो सामने मैंने आपको सब कुछ बता दिया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बता दिए। इनकी मैं प्राइस बता दूँ तो ये 1000 रुपीज़ के समथिंग है, नहीं 5000 के, दोनों 5000 रुपीज़ के समथिंग है ये। अगर आप वैसे ही मतलब दिखावटी लगाते हो तो वो आपके लग जाएंगे 1000 रुपीज़ में दोनों, बट ये वर्किंग है दोनों, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड क्लच दोनों ही वर्किंग है। तो इनकी प्राइस 5000। एंड देन उसके बाद वाइजर, इंडिकेटर्स, आईज, रिंग एंड देन ड्यूअल डिस्क। और गाइस टायर भी दोनों न्यू है बाइक में, दोनों टायर न्यू है। तो टायर की बात करूँ तो दोनों टायर कौन सी कंपनी के हैं, अपोलो S1 H1। तो दोनों टायर देख लो, टायर की क्वालिटी देख लो आप, देखो तो लुक भी अच्छी है एंड क्वालिटी भी अच्छी है। और टायर की मैं बात करूँ तो फ्रंट का है 110 है ना, 110 या फिर 100 है फ्रंट वाला, ये तो 150 है, 150 सेशन का फ्रंट वाला 110। तो गाइस फ्रंट 110 है एंड बैक जो है 150 है, MT में 140 आता है बट भाई ने 150 लगा रखा है। टायर की क्वालिटी देख लो आप, लुक मतलब जो निकल के आ रही है बहुत प्यारी है, टायर बहुत अच्छा लगवाया भाई ने। तो अगर मैं टायर की प्राइस की बात करूँ दोनों टायर्स की, तो टायर का प्राइस है मतलब 10000 रुपीज़, दोनों टायर लग गए 10000 रुपीज़ में। देन उसके बाद अलॉयज पे आ जाते हैं। तो अलॉयज भाई ने कलर करवाए हैं ब्लैक कलर के, एंड इसमें मिक्सचर है रेड एंड वाइट पट्टी का, देख लो, जिससे मतलब घूमती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। एंड भाई ने चेन कवर हटा दिए, चेन कवर हटाने के बाद यहाँ पे देखो ये रेड कलर के करा रखे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्रैश गार्ड वही हैं जो मैंने लगा रखे हैं अपनी MT में, पैंथर में, मेरे रेड कलर के हैं एंड भाई के ब्लैक कलर के हैं। तो ये भाई की इंस्टाग्राम आईडी लिख रही है itsdinesh15। एंड जो सबसे मेन चीज़ है वो है एक्राफोविक एग्जॉस्ट, जिसकी तुम काफ़ी देर से वेट कर रहे हो कि भाई साउंड कब सुनाओगे और एक्राफोविक एग्जॉस्ट के बारे में कब बताओगे। तो गाइज ये देख लो एक्राफोविक एग्जॉस्ट है। तो इसकी MRP बता दूँ तो 5000 से 6000 रुपीज़ MRP है इसकी। ये फुल सिस्टम नहीं है बट ये बढ़िया है, बहुत साउंड भी अच्छी है। इसमें क्या DB क्लियर लगा रखा है, जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस का बहुत ज़्यादा जोर है भाई, मेरी MT का चालान कट चुका है, मैंने ब्लॉग डाल दिया था, आपने चेक कर लिया होगा, तो इसलिए DB क्लियर लगा रखा है। एंड सबसे मेन मॉडिफिकेशन जो है वो है एग्जॉस्ट। एंड उसके बाद देखो ये एक्स्ट्रा ग्राफिक्स लगा रखे हैं भाई ने, ये आफ्टर मार्केट है, मतलब बाहर से मंगवाया, केरला से मंगवाया था ना आपने, ऑनलाइन मंगवाया था ना, तो गाइस ये केरला से मंगवाए हैं जो कि ड्यूक के हैं। देखो ये इतना बड़ा टैंक नहीं आता है बट ये देख लो आप, ये जो है पूरा ये एक्स्ट्रा पार्ट है टैंक के अलावा, दोनों साइड लगा रखा है देखो। तो इससे क्या है टैंक बड़ा हो गया एंड लुक चेंज होगी। तो मैं एक बार आपको लुक दूर से दिखा देता हूँ, देखो ये देखो ऐसी लुक आ रही है टैंक लगने के बाद। एंड फ्रंट इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखा दिए, उसके बाद मैं बैक इंडिकेटर दिखा देता हूँ, ये चिपकने वाले हैं गाइस, देखो जो इस तरीके से, इसमें काफ़ी कलर होते हैं, एक कलर थोड़ी, हाँ, तो ये काफ़ी तरीके से जलता है। और ये बैक लाइट पे भाई ने ब्लैक करा रखा है एंड इसको इस शेप में करा रखा है, इससे भी लुक अच्छी आ रही है। तो पीछे से मैं लुक की बात करूँ तो गाइस आप देख सकते हो कितनी प्यारी आ रही है, टायर से लुक बिल्कुल चेंज हो गई, जो कि न्यू टायर लगाया भाई ने, पीछे से गार्ड वगैरह सब कुछ, टायर कवर सब कुछ हटा रखा है, सिर्फ टायर की लुक, बैक की लुक एंड एक्रापोविक एग्जॉस्ट की, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ ये इसकी MRP क्या है दिनेश, इसकी सिर्फ 1500 का है दोनों साइड के। तो गाइस इसकी MRP 1500 से 2000 के समथिंग है, 1500 से 2000, मतलब देख लो ये टैंक पे जो एक्स्ट्रा है। और उसके बाद अपन बात करते हैं एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। एक चीज़ और मिस हो गई, जो कि नीचे लाइट्स है, देखो दोनों साइड लाइट्स लग रही हैं। कौन सा कलर में दिनेश, इनको जलाना एक बार, जलाना, तो भाई देखो रात में बहुत अच्छी लगती हैं, तीन कलर हैं, दो कलर हैं येलो एंड वाइट, देख लिया आपने, रात में काफ़ी अच्छा फोकस पड़ता है इनका। एंड सामने से देखो लुक ऐसी आ रही है बाइक की। तो अब बात करते हैं एग्जॉस्ट की, मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। DB कलर हम नहीं हटा पाएंगे क्योंकि एलंकी नहीं है, तो वैसे ही एक बार साउंड सुन लो, वैसे ही साउंड बहुत ज़्यादा है। तो
तो गाइस देख लो, साउंड आपने सुन ली और ये स्टार्ट करिए देखो। ये डीवी कलर हट जाता है फिर साउंड और ज़्यादा आती है। डीवी कलर हटने के बाद तो अपन इसको बंद कर देते हैं। और ये की मॉडिफिकेशन देख लो भाई ने की कैसे कर रखी है, ये रेड कर रखे हैं भाई, ये सारे काम करा रखे हैं। तो बाइक पूरी मॉडिफाइड है, मॉडिफिकेशन ओवरलोडेड है, सब कुछ चेंज किया है, सारी जगह कलर चेंज हुए हैं। एंड एक चीज़ और बतानी थी, ये देखो ये भी चेंज हो रखा है नीचे का। ये शायद आरसी का है, केटीएम में आता है, जो केटीएम के दो पार्ट्स हैं ये वाला एंड ये वाले। तो बाइक कैसी लगी आपको? मेरे को बाइक बहुत प्यारी लगी। तो अब तक की सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन ये, अब तक की सबसे बेस्ट। अगर आपको सबसे बेस्ट लगी है तो आप कमेंट करो, क्योंकि बाइक है ही सच में बेस्ट। और इसमें रेडिएटर गार्ड पे गार्ड भी लग रहा है, रेडिएटर गार्ड लग रहा है देखो रेडिएटर पे। तो देखो पूरी मॉडिफिकेशन है, सिंपल सारी मॉडिफिकेशन हो रखी है, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन हो रखी है, एग्जॉस्ट लग रखा है। तो टोटल कॉस्ट मैं आपको बता दूं तो टोटल कॉस्ट इस बाइक में पैसे लग गए 35,000 से लेके 40,000 के समथिंग, मतलब पूरी मॉडिफिकेशन का खर्चा आ गया। देखो बाइक को भाई, बट बाइक यह है कि पूरी चेंज हो गई, बहुत प्यारी लग रही है। तो पैंथर्स बाइक कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना। और दिनेश भाई का चल रहा है फोटोशूट, भाई आए हुए हैं अपने, ये साथ में ही है, तो अब फोटोशूट करेंगे बाइक के। तो देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बता देना, बाइक कैसी लगी ये भी कमेंट कर देना, कुछ डाउट हो तो मेरे को आप बता देना कमेंट करके, मैं पूछ सकते हो मेरे से। और गाइस बाइक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। गाइस अब तक यूट्यूब पे शायद मैंने ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं देखी है, तो अब तक की बेस्ट मॉडिफिकेशन है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। इसके बाद एक और मॉडिफाइड बाइक है, उसकी वीडियो लेके आऊँगा। तो ठीक है गाइस, बाय, टाटा, टेक केयर एंड राइड सेफ पैंथर्स, बाय। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it.